तो अब सीधे लिए चलते हैं मिदनापुर, क्योंकि जिनको लेकर अभी जिक्र हो रहा था कैलाश विजयवर्गीय कर रहे थे शुभेंदु अधिकारी, उनको ही आज ज्वाइन करना है बीजेपी। और आपको बता दें कि अमित शाह पहुंच चुके हैं मिदनापुर, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। और मिदनापुर में एक लंबा कार्यक्रम है आज अमित शाह का, लेकिन अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि मिदनापुर के कद्दावर नेता और टीएमसी के कद्दावर नेता बीजेपी के साथ जुड़ने जा रहे हैं। अनुपम मिश्र मेरे साथ जुड़ गए हैं। अनुपम, जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी का जिक्र लगातार हो रहा है, बताया जा रहा है कि वो दो दिन दिल्ली में थे और कल रात ही वो अमित शाह के साथ ही उनके प्लेन में लौटे हैं। जी देखिए, शुभेंदु अधिकारी पिछले दो दिनों से किसी से बातचीत नहीं कर रहे हैं। उनकी गतिविधियां दो दिन पहले तक थी, जब वो विधानसभा गए, उन्होंने इस्तीफा दिया, उसके बाद वो दुर्गापुर पहुंचे, पानागढ़, जहां पर सुनील मंडल से उन्होंने मुलाकात की, जितेंद्र तिवारी भी वहां आए, तीन लोगों से मुलाकात की, और उसके बाद से वो एल्यूसिव हो गए। और ये तो साफ जाहिर हो गया कि वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि शुभेंदु अधिकारी के साथ और कौन लोग ज्वाइन कर रहे हैं, कितने लोगों से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है कौन ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी जैसे नेता हैं वो बड़े जनाधार वाले नेता हैं, तो वो जिस तरफ भी जाएंगे बहुत बड़ा जनाधार उस तरफ शिफ्ट होगा, स्विंग होगा। लेकिन उनके साथ नंबर कितने आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि नंबर बहुत आ सकते हैं, लेकिन जनाधार वाले कितने नेता आ रहे हैं वो इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। ऐसे में जो दो तीन नाम है, सुनील मंडल जो है सांसद है उनका नाम है, श्यामा प्रसाद मुखोपाध्याय का नाम है जो बांकुड़ा के कद्दावर टीएमसी नेता है, और वो काफी अपने साथ काफी जिला नेतृत्व और समर्थकों को लेकर ज्वाइन करने वाले हैं। तो ऐसे में आज होने वाला है वो बता दूं कि काफी लोग बीजेपी में टीएमसी से ज्वाइन करेंगे और अपने साथ काफी समर्थक और जनाधार। अनुपम, आप तो टीएमसी की बात करें, लेकिन खबर तो ये भी आ रही है कि जो हल्दिया के सीपीएम के जो विधायक हैं वो भी शायद इस सभा में बीजेपी को ज्वाइन कर ले। इस पर आपसे आगे अपडेट लेंगे, लेकिन आपको बता दें कि बड़ी खबर यही है कि अमित शाह पहुंच चुके हैं मिदनापुर। तस्वीरें आपको दिखाएंगे, क्योंकि आज का वो जो उनका दौरा है वो कई सारे राजनीतिक माइलस्टोन वहां पर रखने जा रहा है। इस ब्रेक के बाद